अमेरिकी एयरपोर्ट पर एक बार फिर बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता शाहरुख खान को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। पोकेमॉन गो गेम खेलते वक्त अमेरिकी अधिकारियों ने शाहरुख को हिरासत में लिया, जिसके बाद आखिरकार खुद शाहरुख ने ट्वीट कर अपना गुस्सा जताया। अमेरिका के लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन विभाग के अधिकारियों ने जांच का हवाला देते हुए शाहरुख खान को रोका था, जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। हालांकि इस घटना पर अमेरिका ने शाहरुख से माफी मांगी है, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि अमेरिकी राजनयिकों को भी एक्स्ट्रा स्क्रीनिंग का सामना करना पड़ता है। इस पूरी घटना पर शाहरुख ने ट्वीट कर कहा है कि मैं पूरी तरह समझता हूं और जिस तरह की दुनिया है उसमें सुरक्षा का सम्मान करता हूं, लेकिन हर बार जब भी अमेरिका आता हूं तो इमिग्रेशन विभाग में हिरासत में लिया जाना बहुत ही परेशान करता है। जिसके बाद एक और ट्वीट में शाहरुख ने लिखा है कि जब उन्हें हिरासत में लिया गया तो वो पोकेमॉन गेम खेल रहे थे। आपको बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब शाहरुख खान को अमेरिकी एयरपोर्ट में हिरासत में लिया गया हो। इससे पहले भी 2012 में न्यूयॉर्क के हवाई अड्डे पर लगभग 2 घंटे के लिए शाहरुख को हिरासत में रखा गया था, जिसके बाद अमेरिकी कस्टम और सीमा सुरक्षा अधिकारियों ने मामले पर खेद जताया था। बहरहाल शाहरुख को हुई परेशानी के लिए भारत में अमेरिकी राजदूत रिचर्ड वर्मा ने भी उनसे माफी मांगी है। अमेरिकी एयरपोर्ट पर तीसरी बार शाहरुख के रुके जाने से साफ है कि कोई कितनी भी बड़ी शख्सियत क्यों ना हो, लेकिन सुरक्षा से ऊपर अमेरिका के लिए कोई नहीं है और पोकेमॉन का खुमार दुनिया में किस कदर चढ़ा हुआ है। देखते रहिए डीबी लाइव।